इन बच्चों को जो है ना वो समझते क्या अनपढ़ गवार। यहाँ सोने की जगह है, इन बच्चों की किचन, इनका। सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? आपको मत तकलीफ होगी हमारी। कोई नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा भाई। भी यहाँ से हमने जो ना वो इन लोगों को इफ्तारी दी, तो हम इन बच्चों की हेल्प क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, तो यहाँ से आप बाहर देख सकते हो, बाहर जो है ना अच्छी खासी धूप है, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो दोपहर के 2 आ गए हैं। और यहाँ से उधर देख सकते हो आप रईस भाई को, और यहाँ बिस्तर जो है ना ऐसा ही है। मतलब यार ये जो ना इसको अवॉइड कर लो, इस चीज़ को, ये लड़कों की आदत है बिस्तर ऐसे ही रखना। रईस भाई, अच्छा मुझे एक बात बोलो यार, आज हमें कुछ करना है ना। अनंतनाग का तो ट्रैवल वीडियो हो गया हमारा, है ना। अब जो है ना इफ्तारी करवानी है ना, करवानी है, जाएंगे ना। फॉलो करो इसको। हाँ जी, तो ये है ना रईस भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मेहरबानी करके इसको फॉलो करो और वहाँ कमेंट करके इसको बोलो कि मेहरबानी करके कंटेंट डालो। चलो ना यार, चलते हैं, अब लेट हो गया है। तो यहाँ से उठाते हैं और निकल लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं और फिर अपनी रेड हाउस को लेकर यहाँ से निकलते हैं। कहाँ की ओर? ऑर्फेनेज की ओर। ऐसे हमारी बाइक जो ना वो स्टार्ट है और वहाँ से हमारे भाई रईस है, फैलकॉन है, फैलकॉन ने अपनी बाइक निकाली और मैंने भी अपनी बाइक। तो अब जो ना वो निकल लेते हैं यहाँ से और कर लेते हैं हम बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, देन माय स्पॉन्सर्स, हमारे मेन स्पॉन्सर है स्काई क्लासेस अंडर द वाइब्रेंट मेंटरशिप ऑफ सदाम सर, हमारे को स्पॉन्सर है स्टडी ओवरसीज जो अब्रॉड एडमिशन करवाते हैं और जिनका ऑफिस करण नगर में है, नेशनल स्कूल के अपोजिट। हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं इम्प्रेमिस आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर, जिनका ऑफिस हैदरपुरा में, एंड गाइड द प्रोफेशनल्स, और वो लोग जो हमारी गायबाना मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी ना हम शांग चौक से निकले। जाना कहाँ है रईस? जाना ओके चल। जो कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा वो था अनंतनाग का, इस्लामाबाद का ट्रैवलिंग का ब्लॉग, और आज जो है ना आज हमें यहाँ इफ्तारी करनी है। तो मुझे रईस ने बोला कि यहाँ एक दारुल उलूम है जहाँ बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कुरानी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अभी जो है ना वो हम वहीं जाते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है ना, और इन्होंने बोला है कि वहाँ जो है ना बच्चे ऑलमोस्ट गरीब ही है, बहुत ज़्यादा गरीब है, और कुछ उनमें से यतीम भी है। व्यू बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। इसको क्या बोल दे, शांगसी? वाओ यार, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने जब ड्रोन लाया ना पहले, हाँ, परमिशन थी? हाँ, मेरे पास है परमिशन। ओह भाई, तू तो यार फिर दास बंदा है। जबरदस्त व्यू है यहाँ से, वाओ माशाल्लाह, टोटली अमेजिंग। ये तो कुछ भी नहीं है ये ब्यूटी, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको बहुत अच्छी ब्यूटी देखने को मिलेगी। एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ, मैं वो जो पहाड़ है ना वो वाला, हाँ, मैं वहाँ पे भी गया हूँ कैंपिंग करने के लिए। अच्छा, वहाँ से ये वाला एरिया ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ उस पहाड़ पे जाते हैं जहाँ बर्फ है? कौन सा वाला? जहाँ बर्फ? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ यार, वहाँ पे मैं गया हूँ और जाते हैं उसको। तो मतलब ये पहलगाम साइड में आता है ना, आपने सुना होगा मरगन नाम का, मरगन टॉप है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप मरगन टॉप आओ, मरगन टॉप आओ। इस बंदे के पास नॉलेज है ना अबाउट कैंपिंग, बाइकिंग, राइडिंग बहुत ज्यादा है। इसका नाम है बक्सन। बक्सन? हाँ, यहीं पे डाउन। अच्छा, यहीं पे गांव का नाम बक्सन है, और यही जो है ना वो इदारा है, मदरसा दारुल उलूम। यहाँ से बहुत सिंपल सिटी है यार। कोई नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा। ओके, पहुँच गए हम यहाँ। रईस, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बक्सर। हेलो, आप कैसे हो? ठीक, उस हाथ से करते। चलो।
हम आ गए हैं दारुल उलूम अलमदार कश्मीर बुसर। तो ये आप देख सकते हो, ये दारुल उलूम का एरिया है। फाइनेंशियल कंडीशन इस दारुल उलूम की बहुत ही ज्यादा खस्ता है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। अभी हम अंदर जाते हैं। तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है वही। तो चलो अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर से देखते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट 70 बच्चे होते हैं, 70 बच्चे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ जो है ना 20 बच्चे ही अवेलेबल है। सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? सर ठीक है। आपका नाम क्या है? सईद मुबशर। आप कहाँ रहते हो? पंजाब। माशाल्लाह, आप यहाँ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हो। अभी कितना पारा हुआ है आपका? नाजरा कर रहे हो अभी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? सर ठीक है। आपका नाम क्या है? शाहजी। चलो, आप कहाँ रहते हो? मड़वा में। आप नाजरा कर रहे हो या कायदा पढ़ रहे हो? फिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपको मत तकलीफ होगी हमारी वजह से। आप नींद से उठे? मैंने इनको बोला था कि कोई बात नहीं, ये नींद से ये सोए हुए हैं। और आपकी एज क्या है? 10 साल। और आपकी? 16 साल। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? बढ़िया हो। नाम क्या है? पूजा। और कहाँ रहते हो आप? इसरो में। आप क्या करते हो? नाजरा या कायदा या हफिज? है नया है। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? सही ठीक। आपका नाम क्या है? आप भी नाजरा कर रहे हो? अच्छा। अभी जिस मदरसे में हम आए हैं ना, यहाँ बच्चे यहाँ गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और यतीम आदि जो है ना वो यतीम भी है। मैक्सिमम सर ने बोला कि यहाँ यतीम बच्चे आते हैं। तो अभी ना हम दारुल उलूम आपको दिखाते हैं, अभी ये मदरसा आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है या ठीक नहीं है। वही खुदा दिखाई दे जो ना दे। तो अभी ना ये बच्चे हमें दिखाएंगे अपना मैस का प्रिपेयर करते हैं। हाँ रईस, क्या बोल रहे हो? ये इसका किचन है। तो ये आपका किचन है? देखो यार, किचन इनका ऐसा है, ये मतलब कंडीशन सही नहीं है ना। कंडीशन सही नहीं है इसकी। अगर हम किसी और जगह जाए, हॉस्टल वगैरह जहाँ पे मतलब आम लोग पढ़ते हैं ना, उसका उसके किचन और इसके किचन का कोई कंप्रोमाइज है नहीं। हम बहुत मदरसों में गए, बहुत। हाँ, आपने भी, आप भी व्लॉग्स देखते हो, बहुत मदरसों में हम गए। हर कोई मदरसा ये बोल रहा है कि यहाँ जो है, लेकिन उस बरक्स अगर वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल आता है, प्राइवेट ट्यूशन्स आता है, वो डोनेशन के लिए जाए या और कुछ हो, तो उसके लिए हम पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन ये जो जो हमारी आखिरत है, इसके लिए हम पैसा कुछ नहीं देते। हम तो मतलब ये तो है ना, मतलब हमें मालूम, हमें हम जन्नत को भी एक्सेप्ट करते हैं और जहन्नम को भी मानते हैं, मगर जाना नहीं चाहते। जानने में जाना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जन्नत के लिए प्रिपेयर नहीं करते हम। यहीं आप सो बैठते हो और यहीं आप खाना खाते हो। ना दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा। सो अभी हम आ गए हैं इस मदरसे के फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर एक क्या है, लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी देखो यार ऐसी है। यहाँ जो है ये टूल्स वूल्स लाए हैं, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है ना ये। यार दिल टूट जाता है ये देखकर यार। यहाँ सोने की जगह है इन बच्चों की, देख सकते हो कुछ भी लगा के नहीं है, नथिंग। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये बच्चे सोते हैं। क्या लग रहा है? मैं तो चाहता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, उनकी मदद करो। खिड़कियाँ भी नहीं लग रही हैं, दरवाजा कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बता रहा था इनका जो हेड है वो बता रहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सो अभी आप सबको बताया कि हम यहाँ आए हैं असल में क्या, इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने, इफ्तारी बनाने, इन लोगों के साथ इफ्तारी करने। लेकिन यहाँ जो इस मदरसे की कंडीशन देखकर मेरा दिल टूट गया बहुत ज़्यादा। और ये नहीं, इसी मदरसे की नहीं है, जो भी कश्मीर में मदरसे हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनको देखकर जो है ना वो दिल टूट जाता है। यार हमारा फ़र्ज़ बनता है इन लोगों की हेल्प करना। अगर आप चाहो, आप जो है ना हेल्प कर सकते हो इस मदरसे की। यहाँ जो है ना वो अकाउंट नंबर आ रहे होंगे, मेहरबानी करके 10-20-50 रुपए ही अगर आप इनके अकाउंट में डालोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है और आप जो है ना वो जन्नत कमा सकते हो। वही खुदा है।
हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं शांगर चौक में वापस। रईस, अब यहाँ से हमने सामान भी लाया, तो अब जो है ना वो हम ये लेते हैं कहाँ, मदरसे में। तो अभी मैंने सारा सामान जो है ना वो गाड़ी में रखा, क्योंकि मुझे रईस बोल रहा है कि हम जो है ना वहाँ गाड़ी में जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता है। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मैंने बुशन बोला था एकदम, लेकिन वो बुशन है। अभी ना टाइम आया है ऑलमोस्ट 6:25। सो हाँ जी, ये हम सामान जो है ना वो लाते हैं बाहर। सो ये है दारुलूम हज़रत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाहि अलैह। बाकी हमारा सामान यहाँ है, और वहाँ से जो है ना वो दस्तरखान बिछरा है अभी, लेकिन पहले हम जो है ना वो शरबत बनाते हैं, और उसके बाद ये यहाँ सिर्फ हम खुद ही कर लेते हैं। रईस लग गया काम पर, और वहाँ से वो छोटा बच्चा है। आपका नाम क्या है? राहिद। राहिल ये राहिद। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती है रुतों में। हम इस साइड में रखते हैं, और यहाँ से देख सकते हो दूध के अमूल के बड़े 2 पैकेट्स मैंने लाए, तो अभी यही जो ना हम इसमें डालते हैं। ये उससे पहले हम इसको चॉप करते हैं। सो ये रहा चीनी, ये डालते हैं। सो ये रहा दूध, इस बच्चों के लिए ठीक है रईस। अभी यहाँ से हमने जो ना वो इन लोगों को इफ्तारी दी, शरबत प्लस 1 बनाना, और यहाँ से ये बच्चे हैं। आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे हैं ना यहाँ से, ये हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आप सबको पता है कि दिन ब दिन हम सब जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न मतलब थिंग्स की ओर जा रहे हैं, जहाँ कि हमारा दीन जो है ना वो कोई सीखता नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये इनके माँ बाप पर मतलब मैं क्या बोलूँ, रहमत हो कि वो इनको छोड़ते हैं यहाँ, और ये हिफ्ज करते हैं, और यही बच्चे कल जो है ना हमें नमाज पढ़ाते हैं, हमें कुरान सिखाते हैं। लेकिन हम ही इन बच्चों को जो है ना वो समझते हैं क्या, अनपढ़ गवार। इवन कि इनके पास सबसे बड़ी तालीम होती है, वो है कुरान शरीफ की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफ्तार हुआ, तो अभी हम जो है इफ्तारी कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। مزے سیٹسفائی چھو ہاں باقی پڑھ جاؤ اصل پٹھ حفظ کر جاؤ اصل پٹھ بھی کر جاؤ میں دعا کرنا ضرور میرے لیے ہاں کہ ہم کامیاب ہو جائے آپ بھی کامیاب ہو اور میں بھی ہاں چلو میں نکلتا ہوں دعا کرنا چلو السلام علیکم اور انسپریشن بلاگنگ میں جو ہے نا وہ انسپریشن ہے ہماری ایک تو ये और एक मेरे MSK व्लॉगिंग में मेरी ये जो है इंस्पिरेशन। भाई वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर दे। चलो छोड़ो, ये खैर बात हो गई। अभी टाइम आ गया ऑलमोस्ट रात के 10:30, और अभी जो ना हम कोशिश कर रहे हैं एडिटिंग करने की, क्योंकि सब काम हमने ख़त्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, आज एक काम किया, वो ये है कि इफ्तारी हो गई इस्लामाबाद में भी। अब यहाँ से जाना है कहाँ, कुलगाम की ओर। साउथ कश्मीर में हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स किए अभी तक, एक तो पुलवामा है, दूसरा है अब अनंतनाग, और अब इसके बाद जाना है कुलगाम, और फिर लास्ट में अपना शोपियां डिस्ट्रिक्ट। ये अगर ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, ये हमें वो सिखाते हैं फिर आगे जाकर जो हमें असल में ज़रूरत है, तो हम इन बच्चों की हेल्प क्यों नहीं करते हैं, हम इन मदरसों की क्यों हेल्प नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, देन माई स्पॉन्सर।
स्पॉन्सर्स, हमारे मेन स्पॉन्सर है स्केक क्लासेस अंडर द वाइब्रेंट मेंटरशिप ऑफ सद्दाम सर। हमारे को स्पॉन्सर है स्टडी ओवरसी जो अब्रॉड एडमिशन करवाते हैं। हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं इम्प्रेमिस आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड गाइड द प्रोफेशनल्स, और वो लोग जो हमारी गायबाना मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी ये जो व्लॉग है इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर फॉलो कर देना और इंस्टाग्राम पर भी। एट लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।